नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आने वाली 24 तारीख को यानी 24 अक्टूबर रविवार के दिन करवा चौथ है और करवा चौथ का सभी महिलाओं को, भारत की सभी महिलाओं को इस करवा चौथ का बहुत ही इंतजार रहता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत की विधि क्या है, साथ ही उसका पूजा का मुहूर्त वो क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि चंद्र दर्शन का जो मुहूर्त है वो क्या है। लेकिन साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई महिला पहली बार इस व्रत को रख रही है, यानी कोई स्त्री अगर पहली बार इस व्रत को रख रही है, तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इस व्रत को रखना चाहिए, तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही है, उनको इस व्रत के नियम को जानना बहुत जरूरी। अब वो नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। करवा चौथ के दिन महिलाओं को, सभी महिलाओं को वैसे तो, लेकिन खासकर जो पहली बार जो इस व्रत को रख रही है, उनको पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठना चाहिए। 16 श्रृंगार का मतलब पूरी सज धज के उनको बैठना चाहिए। और जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है, उनको जो शादी का जोड़ा है, जिस जोड़े में उनकी शादी हुई है, उसी जोड़े को पहन के अगर बैठे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए वो जोड़ा आपके पास नहीं है, तो कोई भी जो गुलाबी कलर है या फिर लाल कलर के जो जोड़ा है या लाल कलर की साड़ी है, किसी में भी उनको बैठना चाहिए पूजा के समय। दिन भर भी अगर उसमें रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा के समय तो इसमें जरूर रहना चाहिए। ऐसी महिला जो पहली बार व्रत को रख रही है, उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं हम करवा चौथ की पूजा विधि। तो करवा चौथ की पूजा करने के लिए आप घर के उत्तर दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लें और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर रखें, या फिर आप चित्र भी रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं। अगर आपके घर में मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें, उसमें थोड़े से अक्षत डाल दें। इसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाएं और गर्दन पर, यानी कलश के जो गर्दन होती है उसके ऊपर आप मोली जरूर बांधें। आप 4 पूड़ी लें और 4 लड्डू लें। आप उसका एक हिस्सा कलश के ऊपर रखें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवा, जो करवा होता है उस पर, और तीसरा हिस्से को पूजा के समय महिलाएँ अपनी साड़ी या चुनरी में के पल्ले में बांध लेना चाहिए। अब करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ना चाहिए। कथा जब खत्म हो जाए, उसके बाद पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर जो प्रसाद रखा है, प्रसाद को बेटे या अपने पति को खिला दें। अगर आपके घर में बेटा है तो बेटे को खिला दें, लेकिन जो महिला पहली बार उस व्रत को कर रही है वो अपने पति को इसको खिला सकते हैं। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिलाना है। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दें और चंद्रोदय के समय, मतलब जब चंद्र उदय हो जाए, उस समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ देना है और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाना है। इसके बाद पति के हाथों से उसी जल बचा है जिससे कि आपने अर्घ दिया है, उसी जल को पति के हाथ से ग्रहण करना है और ग्रहण करने के बाद ही अपने व्रत को तोड़ना है। तो ये व्रत की विधि। चलिए अब मैं आपको तिथि के बारे में बता देता हूँ और टाइम के बारे में, मुहूर्त के बारे में बता देता हूँ। तो जो चतुर्थी तिथि है वो 24 अक्टूबर को सुबह 3:02 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 तक रहेगी, यानी बहुत लंबा टाइम है। इस ड्यूरेशन में पूरी चतुर्थी तिथि रहेगी। और चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को 7:51 पर है, लेकिन जरूर नहीं कि आपको इसी टाइम चंद्रमा दिख जाए। कभी कभी बादलों की वजह से नहीं दिखता, दूसरी बात हर जगह का टाइम अलग अलग होता है। तो जब भी आपके शहर में या जहाँ पर आप रहते हैं, जब भी आपको चंद्रमा दिखे उसी समय आपको अपने व्रत को खोलना है, तभी उनको अर्घ देना है। ये थी करवा चौथ की विधि और उसका मुहूर्त। हम आने वाले हमारे अगला वीडियो जो है उसमें आपको बताएंगे कि करवा चौथ में करवा का क्या महत्व है, इसमें सरगी का क्या महत्व है, जो सरगी की बात करते हैं अक्सर लोग, सरगी का क्या महत्व है, और साथ ही इसमें जो चलनी से मुँह देखते हैं, चलनी के थ्रू आपने देखा होगा कि पति का मुंह देखते हैं और चंद्रमा को दर्शन करते हैं उस चलनी के थ्रू, तो उसका क्या महत्व, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।